पाकिस्तान टूर पर आने वाली कैनेडियन रोजी गैब्रियल ने इस्लाम कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सपना नेटवर्क में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सपना नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। पाकिस्तान टूर पर आने वाली रोजी गैब्रियल ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस बात का ऐलान अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के ज़रिए किया और लिखा कि गुज़श्ता साल उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन बरसों में से एक था और ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस उन्होंने आज से इस नुक्ते पर पहुँचा दिया है। रोजी गैब्रियल ने मज़ीद लिखा कि बचपन से ही मेरा तख्लीक के साथ एक मुनफरद रिश्ता और खुदा से ख़ास ताल्लुक़ था। मेरा रास्ता आसान नहीं था और मैंने दर्द भरी ज़िंदगी से अपने दिल के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा जमा किया हुआ था। मैं हर वक्त खुदा से ये शिकायत करती रहती कि मैं ही क्यों। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इस सब का कोई मकसद था और यहाँ तक कि मेरी तमाम तर तकलीफ भी एक तोहफा थी। रोजी गैब्रियल के मुताबिक उन्होंने 4 साल कबल ही अपना मज़हब तर्क कर दिया था और रूहानी सुकून की तलाश के लिए एक घिरे सफ़र पर चली गई थी, जो कि अपनी ज़ात और अपने खालिक की तलाश का एक सफ़र था। रोजी गैब्रियल का मज़ीद कहना था कि वो कभी भी अपने खालिक को नहीं भूली, बल्कि उनका ताल्लुक मज़ीद मजबूत होता चला गया और ये कि वो आप किसी खौफ का शिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने दूसरे रास्ते को मुकम्मल तौर पर तलाश कर लिया है। रोजी गैब्रियल ने मज़ीद लिखा कि मैं दिल के सुकून, बख्शिश और सबसे गहरा ताल्लुक चाहती थी और इसीलिए मैंने अपना सफ़र शुरू किया। कायनात ने मुझे सिर्फ अपने आप को चैलेंज करके दर्द और नफरत की बाकी आदत को ख़त्म करने के लिए दुरुस्त रास्ता दिखाने के लिए पाकिस्तान पहुँचा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वो पाकिस्तान कैसे पहुँची। वो गुज़श्ता एक दिहाई से मुस्लिम ममालिक में सफ़र के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। मुस्लिम ममालिक में सफ़र के दौरान उन्होंने ये देखा कि इस्लाम अमन का मज़हब है, तमाम मज़ाहिब की तरह बहुत सी तशरीहात हैं, लेकिन सबसे बुनियादी ये है कि इस्लाम का असल मतलब ही अमन, मोहब्बत और रूह वहदानियत है। ये सिर्फ मज़हब ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का नस्बुलैन है। मैं तकनीकी तौर पर पहले से ही मुसलमान थी, बस शहादत यानी गवाही सिर्फ खुदा से अकीदत के ज़रिए वहदानियत, ताल्लुक और अमन के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को दोबारा सर्व करना चाहती थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी लिबास में तस्वीर भी शेयर की और एक तस्वीर में उन्हें कुरान पाक हाथ में लिए हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी इस बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर